वो विचारधारा की है, और दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडी में, एनडीए में है, इंडिया अलायंस में है, मगर लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। कुछ दिन पहले एक बीजेपी का एमपी मुझे लोकसभा में मिला, बहुत सारे बीजेपी के एमपी पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, ये भी कांग्रेस पार्टी में था, छुप के मिला मुझसे, मुझे दूर से देखा, छुप के डर से कहता है, राहुल जी आपसे बात करनी है। मैंने कहा भाई क्या बात करनी है, तुम तो बीजेपी में हो, और फिर उसके चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन दिख रही थी, तो मैंने पूछा सब कुछ ठीक है क्या। मैंने सोचा शायद घर में कोई बीमार हो, कोई दुर्घटना हो गई हो। मैंने पूछा सब कुछ ठीक है, कहता है नहीं, क्या हुआ। राहुल जी बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता, मैं हूं बीजेपी में, मगर दिल मेरा कांग्रेस में है। तो मैंने कहा भाई दिल तेरा कांग्रेस में, शरीर आपका बीजेपी में, मतलब दिल शरीर को कांग्रेस में लाने से डर रहा है, यही हो सकता है। मैंने कहा मन क्यों नहीं बनता वहां, आप एमपी हो, आप मुझे हिंट दे रहे हो, मन क्यों नहीं बनता। कहता है राहुल जी बीजेपी में गुलामी चलती है, जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है, हमारी कोई सुनता नहीं, ऊपर से ऑर्डर आता है, मतलब जैसे पहले राजा ऑर्डर देते थे
ऊपर से ऑर्डर आता है और उसका पालन करना पड़ता है, अच्छा लगे ना लगे, चॉइस नहीं होती। आपको याद होगा हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं पटोले जी, ये हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ लिया था, एक सवाल पूछा था किसानों के बारे में। क्या सवाल था? जीएसटी आपने जो लगाया, जीएसटी जो आपने लगाया तो उसमें किसानों का क्या हिस्सा रहेगा? हाँ, तो सिर्फ एक सवाल पूछा, सवाल था जीएसटी जो आपने लगाया उसमें किसानों का क्या हिस्सा होगा। मोदी जी को सवाल अच्छा नहीं लगा, पटोले जी आउट हो गए। तो उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, किसी की सुननी नहीं। ऑर्डर ऊपर से आएगा, आपको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है, हमारा छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हमारे किसी भी नेता को टोक सकता है, सही है ना? हमारे कार्यकर्ता मेरे सामने आते हैं और मुझे कहते हैं, राहुल जी ये जो आपने किया मुझे अच्छा नहीं लगा, और फिर मैं उनको समझाता हूं कि देखिए मैंने ये इस कारण किया, और मैं उनकी सुनता हूं। उनकी जो आवाज है उसका आदर करता हूं, उसका रिस्पेक्ट करता हूं। ये भी कह देता हूं कि भैया मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मगर उसकी आवाज सुनता हूं।